पेशावर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। इमरान खान पर 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार। बात करेंगे उस्मान खान, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में पेशावर के ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान के ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की ज़ाब्ते अखलाक वर्जी की जुर्माना की खिलाफ जो अपील थी वो मुस्तरद कर दी है और इमरान खान पर जो है वो 30,000 जुर्माना जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आयद कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन ने ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। मेंबर निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आयद 10,000 जुर्माना खत्म कर दिया है। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है।